बिहार करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करें। पहला चैप्टर ऑलरेडी हो गया है फटाफट 100.com और ये मैप से मदद से मैंने की। सेकेंड वीडियो हम डिस्कस करें प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ बिहार जो कि पास्ट हुए। क्वेश्चन आते हैं इस पे, जैसे आपको पता है रामविलास पासवान जी के बारे में आया था, उसके बाद इनके बारे में तो इवन पद्म विभूषण वाला भी क्वेश्चन आया था, उसके अलावा रघुवंश प्रसाद जी के बारे में आया था। तो ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे इनके बारे में आया था कि पहली बार किस पार्टी से चुने गए थे, और इनके बारे में आया था पहली बार एमपी बने थे किस साल में, किस लोकसभा के किस इलेक्शन में। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो ऐसे ही डिस्कस करेंगे, इसी हिसाब से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले शरद यादव जी के बारे में, 7 बार लोकसभा के मेंबर बने हैं, लेकिन अगर मैं बालू इनका जन्म हुआ था सेंट्रल प्रोविंस में, ठीक है ना, बिहार में जन्म नहीं हुआ था, सेंट्रल प्रोविंस जा था ना उस समय एमपी का, जो सेंट्रल प्रोविंस बोलते थे वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और पहली बार जब ये एमपी बने थे, लिखा ना सेवन टाइम्स लोकसभा मेंबर बने थे, उसमें पहली बार ये कहाँ से बने थे, पहली बार बने थे जबलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जबलपुर। तो ये याद रखना कि सबसे पहले जबलपुर से चुने गए थे, कब, 1974 से 1980 के बीच जो इलेक्शन हुआ था। यार ये एक बार देख लेना क्योंकि विकिपीडिया में दिया हुआ है, एक बार इसको विकिपीडिया में देखे हुआ कि 1974 से 1980 के बीच रहे हैं, लेकिन ये फिफ्थ जो पांचवा जनरल इलेक्शन हुआ था ना वो 1971 से 1977 तक था, क्योंकि इमरजेंसी इस समय आ गए थे। ये पांचवा जनरल इलेक्शन था, छठवां जनरल इलेक्शन कब हुआ, 1977 से 1980 के बीच। तो ये देख लेना पांचवा और छठा, तो ऑप्शन आया तो इस समय ऐसे थोड़ा मिला लेना। और जो सातवां आया था उसमें सरकार किसकी बनी थी, छठा आया था जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और ये आरजेडी के थे, आरजेडी, ठीक है ना, याद रखना। और जबलपुर, मधेपुरा, बदाउन से कई जगह बने, 3 टाइम राज्यसभा मेंबर बने, और इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था हमें पता ही है, डेथ हुआ गुरुग्राम हरियाणा में, यूनियन मिनिस्टर भी कई बार ही रहे हुए हैं। इसके अलावा केसरी नाथ त्रिपाठी जी, ये गवर्नर रह चुके हैं बिहार और वेस्ट बंगाल के, ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा वुमेन अपॉइंटमेंट, वुमेन ओ भी पहली, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मतलब 99% चांस है कि ये और इनमें से दोनों में से एक आ जाए, क्योंकि आप खुद सोचो डेथ्स में पूछेगा तो ऐसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटी से पूछेगा ना जो कुछ ऐसा अलग अचीव किया है, और वो वुमेन भी है तो वुमेन एम्पावरमेंट को भी दर्शाना है। तो मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था, पहली बार ये पटना हाईकोर्ट की जज बनी थी, पहली वुमेन। उसके अलावा रामचंद्र मांझी की बात करते हैं, ये भिखारी ठाकुर ग्रुप से थे, भिखारी ठाकुर डांस मंडली से थे, लौंडा नाच को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्रिकिएट किया था, उसको इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया था, संगीत नाटक अकेडमी मिला, पद्मश्री पिछले साल मिला इनको 2021 में, एक्चुअली पिछले के पिछले। उसके बाद धनिक लाल मंडल की बात करते हैं, ये लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्मर गवर्नर, नहीं पूछेंगे एग्जाम में। रमई राम 9 टाइम से मिले, कुछ ज़्यादा ही बहुत दिन से नेता रहे हैं, 5 टाइम्स मिनिस्टर बने थे, ठीक है। उसके बाद अपकमिंग गोल है बिहार गवर्नमेंट का, कुछ अपकमिंग गोल देखो ऐसे गोल जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो पूछेंगे, जैसे 25 करोड़ मनरेगा को 25 करोड़ मैंडेज तैयार करना, मतलब 25 करोड़ काम देना है, 25 करोड़ लोगों को नहीं, 25 करोड़ दिन, ठीक है, 2022-23 में इसको पूरा करना है, मतलब इसको 31 मार्च 2023 तक, अब ये बाद में पता चलेगा पूरा हुआ कि नहीं। उसके बाद मनरेगा के तहत 2 करोड़ सैम्पलिंग लगाना है, दीदी जो जीविका दीदी है ना उनके हेल्प से 2022-23 में 6000 किलोमीटर रूरल रोड बनाना है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, ग्राम मुख्यमंत्री जी के तहत से। उसके बाद रूरल रोड बनाना है 25 किलोमीटर इन बिहार अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो मुख्यमंत्री वाले में 6000 और प्रधानमंत्री वाले में 2500। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है राजगीर और बोधगया को 2400 घंटे, भाई है सप्लाई तो होते नहीं सोलर एनर्जी से, ये जून 2023 तक का है। उसके अलावा लैंड सर्वे कम्प्लीट करना है 2024 तक, टारगेट है कि 10% इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से आए 2023 तक है, और 20% 2030 तक, ठीक है ना, दोनों टारगेट देख लो कि सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी 10% 2023 तक और 20% 2030 तक,
पटना मेट्रो रेल को कंप्लीट करना है सितंबर 2024 तक, प्रीपेड मीटर हर जगह पहुंचाना है मार्च 2025 तक, टीवी को तो पूरे देश का यही टारगेट है 2025। और देखो अभी बिहार का एक्सपोर्ट देश के एक्सपोर्ट में बहुत ही मार्जिनल रखता है नंबर में, तो जितना अभी एक्सपोर्ट हो रहा है ना बिहार को उसको 20 गुना करना है ताकि देश का टोटल देश के एक्सपोर्ट में 10% बिहार का योगदान हो, तभी तो बिहार के फार्मर को फायदा होगा, फार्मर इनकम डबल होगी 2025 तक। आत्मनिर्भर भारत बिहार 7 निश्चय योजना जो कि 2020 से 25 के बीच है, तो 2025 में टारगेट है। रोड एक्सीडेंट को 50% कम करना है 2030 का टारगेट है। 100% लिटरेसी 2030 में क्या चीज़ है, रोड एक्सीडेंट को 50%, लिटरेसी को 100%, हेपेटाइटिस को कम्प्लीटली हटाना है, एड्स को कम्प्लीटली हटाना है और 20% इलेक्ट्रिसिटी हमको करना है। अब उसका 2035 में कही जा रहा है कि हायर एजुकेशन में 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हो, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट का अचीव है कि जीरो कार्बन एमिशन हो 2040, याद रखना बहुत बहुत प्रोग्रेसिव ये स्टेप है। उसके बाद कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, गवर्नर फाल्गु चौहान, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, 8वां बार बने, 8 टाइम, ठीक है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तेजस्वी यादव, ये याद रखना है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से जाते हैं बार बार। उसके बाद चीफ जस्टिस है संजय करोल साहब, और सेकेंड मोस्ट जो जजेज है सेकेंड मोस्ट वो उनका भी नाम आप याद रख लेना थोड़ा। अवध बिहारी चौधरी असेंबली के स्पीकर, डिप्टी याद रखना नहीं है, महेश्वर हजारी ये याद रख लो, ये याद रखो, ये नहीं, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के देवेश चंद ठाकुर, ठीक है ना, उसके ये हम लोग के एरिया के मतलब कि इधर के एरिया से जो चुने गए हैं ना, 75 मेंबर चुने जाते हैं ना, तो इधर के एरिया से चुने गए हैं, ठीक है ना। और रामचंद्र पूर्वे याद नहीं रखना है, सम्राट चौधरी है लीडर ऑफ अपोजिशन के, चीफ सेक्रेटरी याद करना अमित सुवानी, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के एस सिद्धार्था, पीके शाही एडवोकेट जनरल है, डीजीपी कौन है राजविंदर सिंह भट्टी, आरएस भट्टी इनको डीजीपी, ठीक है। और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एचआर श्रीनिवास, ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नरेंद्र कुमार सिन्हा, और ये याद नहीं, लोकायुक्त कौन है श्याम किशोर शर्मा, और अकाउंटेंट जनरल रामबावतार शर्मा याद नहीं है करना, ये बीपीएससी के अतुल प्रसाद जी नहीं याद कर लो, आएगा ही नहीं आए जाने चांस है। बैकवर्ड कमीशन के संजय कुमार, बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के विनोद कुमार सिन्हा, शंभू कुमार सुमन है शेड्यूल ट्राइब के, और पब्लिक अकाउंट के तारकिशोर प्रसाद। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको ये तो दोनों याद ही होगा, चीफ जस्टिस याद कर लो कई बार पूछा जाता है, असेंबली के स्पीकर कर लो, और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हाँ याद कर सकते भाई फिर से, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन हुआ है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाए, एचआर श्रीनिवास, उसके बाद रहने दे सकते हो। और स्टेट मिनिस्टर बिहार के स्टेट मिनिस्टर और इन द करेंट यूनियन कैबिनेट में कौन है, पशुपति कुमार पारस, ये मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री है, गिरिराज सिंह है रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज, और आर के सिंह है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, अश्वनी कुमार चौधरी ये सब स्टेट मिनिस्टर, नित्यानंद राय और अश्वनी कुमार चौधरी, ये है कंज्यूमर अफेयर्स फूड एनवायरमेंट फॉरेस्ट और होम मिनिस्ट्री। अब ये कुछ अवार्ड है, अवार्ड से यार बहुत ज्यादा आता है, मैं क्या बताऊं, अवार्ड्स तो यार वो भी डिजिटल अवार्ड, डिजिटल रिलेटेड अवार्ड, डिजिटल इंडिया अवार्ड, ये डॉक्टर एन विजया लक्ष्मी है आईएएस ऑफिसर है बिहार कैडरे की, और डिजिटल सिटीजन एम्पावरमेंट कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला, ठीक है, डिजिटल सिटीजन एम्पावरमेंट, इनको प्लैटिनम यानी पहला अवार्ड मिला, याद रखिएगा। उसके अलावा बिहारी अवार्ड काफ़ी फेमस है, 2032वां और 131वां, ठीक है ना, और देता कौन है के बिरला फाउंडेशन बिहारी अवार्ड। एक चीज और याद रखना, ये बिहारी अवार्ड और बिहारी पुरस्कार दोनों अलग है, बिहारी जो पुरस्कार एक्चुअली राजस्थान में दिया जाता है, राजस्थान में, तो बिहारी अवार्ड देखो सबसे ज्यादा याद करें माधव हरा जी,
ठीक है, इनकी किताब का नाम है पचरंग चोला पहर सकीरे, पचरंग चोला, पचरंग मतलब पांच रंग के चोला पहर सकीरे। और जो 31वां मिला था किनको मिला था, मधु कंकारिया जी को, इनका है हम यही थे, के बिरला फाउंडेशन देते हैं। तो माधव हरा जी याद कर लेना, पचरंग सखी वाला, ठीक है, नहीं काफी इंपॉर्टेंट हो गया यार। अटल काव्य रत्न, अटल जी के नाम पे है काव्य रत्न अवार्ड, काव्य रत्न अवार्ड ये किनको मिला, हिमकार श्याम जी को, हिमकार श्याम जी को, सारण के है ये, लिटरेचर के फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस करने पे मिलता है। इनकी किताब है युद्धरत हूँ मैं, युद्धरत, युद्धरत हूँ मैं। उसके बाद वर्ल्ड लिटरेचर टीचर अवार्ड है, अरुण कुमार झा को मिला, मधुबनी के अरुण कुमार झा। उसके बाद मैथिली ठाकुर को मिला बिस्मिल्ला खान यूथ अवार्ड, याद रखना यूथ अवार्ड। इनको स्टेट इलेक्शन कमीशन का आईकॉन भी बनाया गया है, ठीक है ना, फोक म्यूजिक को इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, याद रखना। इसके फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड ये नाजिया परवीन को मिला, ये अररिया जो सदर हॉस्पिटल है ना उनकी नर्स है, ये नर्स को मिलता है अवार्ड। ऋषिकेश सौल सुलभ ये सिवान के है, कथाक्रम अवार्ड इनको मिला, कथाक्रम अवार्ड। और इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी मिला चुका चुका है। और उसके बाद इंदु शर्मा को इंटरनेशनल कथा सम्मान भी मिला हुआ है, वसंत के हत्यारे, दोनों अलग है, कथाक्रम अवार्ड है और यह कथा सम्मान, इंटरनेशनल कथा सम्मान ये इंदु शर्मा को मिला इनकी स्टोरी के लिए जिनका नाम है बसंत के हत्यारे। और इनको ऋषिकेश सुलभ जी को मिला है कथाक्रम। मेरे हिसाब से शुरू का दो इज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये टीचर अवार्ड पूछे जा सकता है, और मतलब शुरू का चार पांच हो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड ये पूछा हुआ था एग्जाम में, धीरज को मिला है और साक्षी को मिला है, धीरज को जो कि बेतिया के, साक्षी जो कि छपरा के, ब्रेवरी के लिए सोशल सर्विस, सिर्फ नाम ही काफ़ी है, ठीक है ना, मतलब नाम ही पूछेगा, 2021 नहीं पूछेगा। ज्योति कुमारी को मिले जो साइकिल गर्ल थी। एजुकेशन अवार्ड किनको मिला, एक सौरभ सुमन को मिला और निशी कुमारी, सौरभ सुमन निशी कुमारी, स्कूल इंपॉर्टेंट नहीं है, सुपौल और पटना के। टीचर्स डे पे मिला द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। साहित्य एकेडमी अवार्ड की बात करते 2022, एक मैथिली लैंग्वेज के लिए, एक हिंदी लैंग्वेज के लिए। साहित्य एकेडमी अवार्ड अजीत आजाद मधुबनी के है, इनको मैथिली लैंग्वेज के लिए, बद्री नारायण हिंदी लैंग्वेज के लिए भोजपुर के है। अब देखो इनके किताब का नाम है पेन ड्राइव में पृथ्वी, ठीक है ना, पेन ड्राइव में पृथ्वी, हिंदी लैंग्वेज के लिए है ठुमरी के शब्द, ठुमरी के शब्द, ठीक है। और 21 का याद नहीं रखना है, 21 में वैसे जगदीश प्रसाद मंडल को मिला था पंगू के लिए, जगदीश प्रसाद मंडल को मिला था पंगू के लिए मैथिली लैंग्वेज में, तो ये याद कर लिया। मैथिली लैंग्वेज के लिए अजीत आजाद मधुबनी, पेन ड्राइव में पृथ्वी, और ठुमरी के शब्द हिंदी लैंग्वेज के लिए भोजपुर के है बद्री नारायण जी, ठीक है ना, मैथिली अजीत प्रसाद, याद रखना मैथिली अजीत प्रसाद, MA और HB, MABH, ठीक है। तो मैथिली अजीत प्रसाद, बद्री नारायण हिंदी। पोएट्री थोड़ा ध्यान रख सकते हो। साहित्य एकेडमी चिल्ड्रेन लिटरेचर अवार्ड है, मतलब चिल्ड्रेन नहीं लिखता, चिल्ड्रेन के लिए किताब लिखी जाती है। उर्दू लैंग्वेज में जफर कमाली को मिला, सिवान के थे, और हौसलों की उड़ान की। और मैथिली लैंग्वेज के लिए वहां पे अजीत आजाद जी को मिला था, यहाँ पे वीरेंद्र झा को मिला मधुबनी के लिए, मधुबनी के है उरनछू लिखा था, तो उरनछू हिंदी लैंग्वेज के लिए, उर्दू के लिए हौसलों की उड़ान, हौसलों की उड़ान। साहित्य एकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड है, मैथिली लैंग्वेज के लिए रत्नेश्वर मिश्रा, ठीक है ना, और बस इतना। साहित्य एकेडमी यूथ अवार्ड कौन है, नव कृष्ण आई है मैथिली लैंग्वेज के लिए, इतना ये सब नहीं पूछेगा। साहित्य एकेडमी लैंग्वेज अवार्ड उदयनाथ झा मैथिली लैंग्वेज के लिए, IIT पटना ने इनको अवार्ड दिया था अटल अचीवमेंट अवार्ड। और कुछ अवार्ड है बहुत रेयर होगा कि नहीं पूछेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, देख लेते, एक दो भी इंपॉर्टेंट हो जाए तो काम बन जाए हमारा। मोहन राकेश सम्मान, इनका एक प्ले था निशब्द, ठीक है ना, तो अवार्ड का नाम पता है क्या है, मोहन राकेश सम्मान है अवार्ड का नाम है, निशब्द प्ले के लिए किनको मिला, एक प्ले राइटर है राजेश कुमार, तो राजेश कुमार को मोहन राकेश सम्मान मिला। उसके बाद एक स्वच्छता सारथी अवार्ड है, स्वच्छता नाम से पता, स्वच्छता सारथी ये किसको मिला, विनीत कुमार को मिला, ये क्या कर रहा है, प्लास्टिक वेस्ट से पेट्रोल बना रहे, विनीत कुमार को मिला।
आनंद कुमार जी को आपको पता है पद्म श्री इनको मिला है, पद्म श्री, तो इनको ऑनररी डिग्री मिला डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। साहित्य भूषण अवार्ड बिहारी लिटरेचर सी दयाल जी को मिला। उसके बाद मुरली मनोहर श्रीवास्तव, ये बक्सर डिस्ट्रिक्ट के हैं, इनको अवार्ड किया गया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर हिज लॉन्ग वर्क ऑन शहनाई मास्ट्रो, उस्ताद बिस्मिल्ला खान के साथ रहते थे इसलिए मुरली मनोहर श्रीवास्तवा को अवार्ड मिला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। इन न्यू दिल्ली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑनर विद नेशनल एमएसएमई अवार्ड किसको मिला, नेशनल बिहार को। नेक्स्ट अवार्ड है एक नेशनल एमएसएमई अवार्ड, क्योंकि बिहार ने एमएसएमई में काफ़ी अच्छा काम किया इम्प्रूवमेंट में, इसीलिए बिहार को नेशनल एमएसएमई अवार्ड मिला है। उसके अलावा एक और अवार्ड है, ये अवार्ड एक्चुअली हम जिनको जन कवि किनको बोलते हैं कि आम आदमी के कवि, नागार्जुन जी को मिलते हैं, तो जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान, ये मैथिली पोएट है डॉक्टर तारानंद वियोगी जी को मिला, ठीक है ना। उसके अलावा एक विजिटर्स अवार्ड है, विजिटर्स अवार्ड ये किनको मिला, ये रामनाथ कोविंद जी ने दिया जाहिद अशरफ को, प्रोफेसर है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के। उसके अलावा डीएम त्यागराजन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट, इनको अवार्ड दिया गया है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस मिनिस्ट्री के द्वारा, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। उसके बाद संतोष कुमार को एक अवार्ड दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान, ईस्ट चंपारण के, पूर्वी चंपारण के बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान, बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान। उसके बाद एक और अवार्ड है नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022, ये अवार्ड दो लोगों को मिला, गया के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वीरेंद्र कुमार और डिप्टी मेयर है अखोरी ओमकारनाथ, इन दोनों को मिला सोशल सर्विस के फील्ड में। एक और है बीभा लाल, ये मिथिला पेंटर है बहुत फेमस, इनको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अवार्ड दिया, क्यों, कृष्ण लीला के लिए, इनके काम एक है कृष्ण लीला, उसके लिए बीभा लाल मैथिली मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड है। एनटीपीसी लिमिटेड है कहलगांव पावर प्लांट, भाई कहाँ है कहलगांव पावर प्लांट, भागलपुर में है, इनको एक अवार्ड दिया गया है स्वर्ण शक्ति, स्वर्ण शक्ति अवार्ड है, बस इतना याद रखो स्वर्ण शक्ति अवार्ड है। उसके अलावा बिहार के फिल्म डायरेक्टर है पार्थ सौरभ, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सैन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। एक मूवी अब बहुत फेमस मूवी आपने देखा होगा जरूर, धमाल, उसमें इस एक गार्डन की बात होती है सैन सेबेस्टियन गार्डन, तो उससे आप याद कर सकते हो। आईएएस जयसिंह को स्कॉच अवार्ड मिला, ठीक है, और ये दो अवार्ड मिले स्कॉच अवार्ड एंड स्कॉच ऑर्डर एंड मेरिट सम्मान, बिहार लैंड सर्वे को डिजिटाइजेशन करने के लिए। उसके अलावा नील आर्यन ठाकुर को टाइटल मिला मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड का। उसके अलावा नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया वुमेन्स डे के मौके पे, तो बिहार के दो नारी है, एक है मीरा ठाकुर मधुबनी से और ये क्वाइन आर्ट के लिए बहुत फेमस है, और अनीता गुप्ता एंटरप्रेन्योर है भोजपुरी से, अनीता गुप्ता और मीरा ठाकुर। उसके अलावा बिहार को अवार्ड दिया गया सेकेंड प्राइज आफ्टर कर्नाटका फॉर बेस्ट कंडक्टर ऑफ स्वच्छता ही सेवा अभियान, स्वच्छता ही सेवा अभियान, ठीक है। अब पद्म अवार्ड, पद्म अवार्ड पहले देख लेते हैं, 2023 में तीन लोगों को पद्मश्री मिला बिहार से, एक को एक है सुभद्रा देवी, उसके अलावा है कपिल देव प्रसाद, कपिल देव प्रसाद, सुभद्रा देवी कपिल देव प्रसाद, इन दोनों को किस फील्ड में मिला, ये दोनों आर्ट के फील्ड में। उसके बाद आनंद कुमार एजुकेशन एंड लिटरेचर के फील्ड में, ठीक है। तो पद्मश्री 2022 में 23 में देख लिया, 2022 में किनको, एक है चंदन जी करके, चंदना जी, आचार्य चंदना जी, ये सोशल वर्कर है, राजगीर विरायतन इन्होंने ही बनाया है। उसके अलावा सायवाल गुप्ता है पोस्ट ह्यूमसली, इनको मिला लिटरेचर एंड एजुकेशन के, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक ही सब नहीं याद करो, हो गया 20 तो बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है कुछ स्कीम है, 7 चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, कुछ स्कीम है देखो, ये काफी अच्छा स्कीम है, हर घर गंगा जल योजना, कि गंगा जल घर घर पहुंचाना, किन सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, सिर्फ राजगीर, गया, बोध गया और नवादा,
इस पाइपलाइन के थ्रू, पाइपलाइन की लंबाई है 151 किलोमीटर, बस इतना याद रखना है। उसके बाद डिजिटल हेल्थ स्कीम है कि डॉक्टर क्या हो गए, ऐप पे मिलेंगे, डिजिटल हेल्थ ऐप पे, और पता चलेगा हॉस्पिटल में बेड नहीं है, है या नहीं, वो सब पता चल जाएगा। उसके अलावा है चीफ मिनिस्टर रूरल सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम। इसमें क्या है, 10 सोलर लाइट लगाना है हर वार्ड में। ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम की बात करते हैं। इसमें फूड कल्टीवेशन आपको करोगे ना तो ड्राई मतलब सब्सिडाइज दिया जाएगा, और बिहार गवर्नमेंट विल गिव सब्सिडी फॉर फ्रूट कल्टीवेशन टू द फार्मर यूजिंग जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को यूज करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है फीस ऑन व्हील्स। फीस ऑन व्हील्स, इसमें टीवी पेशेंट को फीस प्रोवाइड किया जाएगा, बस इतना याद कर रहा हूँ, ठीक है। हेल्दी एंड टू प्रोटेक्ट देयर फैमिली मेंबर फ्रॉम इन्फेक्शन। निपुण भारत, 1 से 3 साल के बच्चे हैं ना, उनको बेसिक लिटरेसी वगैरह सिखाने की बात की गई है। एग्रीकल्चर सब्सिडी स्कीम, इसमें सब्सिडी दिया जाएगा, बस उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 8 लाख फार्मर को दिया जाएगा, और सेटअप द एग्रीकल्चर मशीनरी ऑफ 10 लाख, और 40% सब्सिडी दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर युवा उद्यमी योजना, इसमें क्या किया जाएगा, 10 लाख दिया जाएगा, 5 लाख सब्सिडी, और 1% आपको इंटरेस्ट लगेगा। दूसरा है चीफ मिनिस्टर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो इसमें 0% इंटरेस्ट है। महिला उद्यमी योजना है, ये उनके लिए है जिनके बच्चों के सीने में छेद नहीं होता, उसके लिए, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा जो 7 निश्चय 2.0 का पार्ट है, उसका पार्ट है। उसके अलावा फिलो पोर्टल है। फिलो पोर्टल क्या है, डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करना 9 से 12 में, इतने से आपको बता दूंगा। वंडर ऐप क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन का केयर करने की बात की गई है, ठीक है ना। ई संजीवनी पोर्टल है, किसके द्वारा डेवलप किया गया, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिए, सेंटर फॉर सीडेक यहीं पे लिख सकते हैं, सीडेक। इसमें फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, लोग कंसल्ट कर सकते डॉक्टर से। हायरिंग मोबाइल ऐप कि आपको एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है वो हायर कर लो। ई अश्विन ऐप, इसमें क्या किया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा आशा वर्कर को, और वो डायरेक्टली पैसा उनके अकाउंट में आएगा। इंद्रवज्र ऐप, जो लाइटनिंग होती है ना, जिसे बहुत ज़्यादा डेथ हो जाता है, तो उसका 40 मिनट पहले आपको पता चल जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट। ये कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, ये हेल्थ डिपार्टमेंट। परिमार्जन ऐप, इसमें रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट है। इसमें करेक्शन से बात हुआ है, करेक्शन लैंड से रिलेटेड करेक्शन की बात की है। विद्या वाहिनी, मतलब विद्या वाहिनी यानी ऑनलाइन किताब मिलेगा। विद्या बिहार कैरियर पोर्टल, इसमें काउंसलिंग किया जाएगा बच्चों को, ये दोनों एजुकेशन डिपार्टमेंट। सुविधा है एनर्जी डिपार्टमेंट से कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वगैरह का सर्विस। सेवा समाधान वेब पोर्टल, और इसमें क्या किया जाएगा, ये जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का है, और रेगुलर इसमें क्या हुआ जाएगा, कंप्लेंट वगैरह जो हो गए बेनिफिट्स रिटायर पर्सनल को, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा ना उसको रिड्रेस किया जाएगा। कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, ये बिहार बजट में किया था। इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट सर्विस का है। दृष्टि क्या है, दृष्टि मतलब नज़र रखना, वाटर रिसोर्स का है, मतलब सरकार जो भी प्रोग्राम चला रही है ना उस पर नज़र रखने की बात की है। चक्र मोबाइल ऐप बिहार पुलिस का है, और इसमें डेटाबेस क्रिमिनल का रखा जाएगा। स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी मिला फीकी के द्वारा। ई निश्चय पोर्टल है, पंचायती राज डिपार्टमेंट का है। हर घर नल का जल जो स्कीम है, या नली पक्कीकरण योजना है, उससे रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट हो ना तो यहाँ डाल सकते हैं। वामिस ऐप, वामिस ऐप क्या किया जाएगा, इरिगेशन प्रोजेक्ट, दिस ऐप लॉन्च इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, वामिस इरिगेशन। अनमोल ऐप क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड है, उसका रिकॉर्ड। ई लॉट्स पोर्टल क्या है, ई लाइब्रेरी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे करते हैं, न्यू पॉलिसी ज़्यादा नहीं आएगा इसमें। अब ये चैप्टर है ना, ये आपको एग्जाम में नहीं है, बहुत रेयर चांस है कि इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, क्योंकि पॉलिसी वगैरह से नहीं आता है। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, ये 2 के लिए है बस, टेक्सटाइल और लेदर, ये बस ध्यान रखना, 10 करोड़ सब्सिडी वगैरह।
स्टार्टअप पॉलिसी में क्या है, 10 लाख दिया जाएगा और विदाउट इंटरेस्ट 10 साल के लिए, ये बात याद रखना। बिहार स्पेशल कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना, बिहार स्टेट स्पेशल कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसमें क्या किया है, एनी एक्शन टेकन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बिल विल कम अंडर द प्रिव्यू ऑफ दिस बिल, ठीक है ना। ओल्ड केसेस ऑफ करप्शन बिल ऑल्सो बी प्रोसिक्यूटेड नाउ, ठीक है, याद रखना। बिहार गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल, ठीक है ना, इसमें क्या किया गया, क्या किया जाएगा, बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट विल नॉट बी गिवन इन GST इन बिहार। और अमेंडमेंट कब हुआ, अमेंडमेंट इस एक्ट के थ्रू में अमेंडमेंट हुआ। उसके अलावा बिहार म्यूनसिपल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट, इसमें क्या किया जाएगा, जो इसका हेड था ना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इसका इलेक्शन अब डायरेक्ट होगा, इसकी बात किया गया। उसके अलावा बिहार अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक्ट, पहले क्या था, अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी जमीन को एक्वायर कर रही है ना तो कंसेंट जरूरी था, आप विदाउट कंसेंट ले सकते हैं। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, इसमें क्या किया जाएगा, जो चेयरमैन का, कमीशन का चेयरमैन का उम्र पहले 70 था, 75 कर दिया। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, नॉर्मल बात है, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को फोकस करो, इथेनॉल के प्रोडक्शन को फोकस करो, ड्रिंकिंग वाटर कंजम्पशन, ठीक है, और हैंडलिंग ओवर द मेंटेनेंस ऑफ नल जल टू अर्बन लोकल बॉडी, नल जल योजना है ना वो अर्बन लोकल बॉडीज को सौंप दिया जाएगा, 5 साल तक पहले कॉन्ट्रैक्टर के पास रहेगा। बिहार मिनरल अमेंडमेंट रूल 2021, इसमें इलीगल माइनिंग वगैरह को रोकना है। बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड, मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड वाला है। बिहार टेक्निकल सर्विस, ये वाला, इसमें क्या किया जाएगा, फिक्स कर दिया 3 साल टेन्योर चेयरमैन का और मैक्सिमम 70 साल, ठीक है। अब हम कुछ स्पोर्ट्स इवेंट डिस्कस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से देखो, पिछले बार क्वेश्चन ये वाला आया था, ये ब्राज़ील में 24th समर डेफ ओलंपिक्स 2021, तो देखो मैंने देखा है जितना गेम वाला है ना, या तो स्पोर्ट्स प्लेयर पे आ जाता है या बहुत बड़ा गेम है उससे रिलेटेड आते हैं। तो कॉमनवेल्थ आ सकता है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, ये याद रखा, चंदन कुमार जीता है, मुंगेर के थे, और कौन सा गेम थे, लॉन वॉल्स, और ये तो बर्मिंगम में हुआ था, हमें पता ही है। नेक्स्ट, सब जूनियर कॉमनवेल्थ गेम, सब जूनियर कॉमनवेल्थ गेम, कृति आजाद जीता और 6 गोल्ड जीता, और वेट लिफ्टिंग से न्यूजीलैंड में हुआ। 36th नेशनल गेम्स की बात करते हैं, गुजरात में हुआ, एक हमारी जो रग्बी वाली वुमेन है बिहार की वो जीती, और नेटबॉल वाली जो वुमेन है वो जीती, इंडिया का, बिहार का पोजीशन 21वां था नेटबॉल और रग्बी में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं, इसमें भोला सिंह एक जीते, भोला सिंह एक गोल्ड जीते, और एक शुभम जीता ब्रॉन्ज, भोला सिंह वेट लिफ्टिंग में और ये रेसलिंग में, ठीक है, हरियाणा में हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। नेक्स्ट, 8वां वर्ल्ड कैरम चैंपियनशिप, ये मलेशिया में हुआ, और इसमें मेंस एंड वुमेन्स दोनों टाइटल जीती है रश्मि कुमारी, ठीक है ना। उसके अलावा ये 3 टाइटल जीती, सिंगल्स में भी, डबल्स में भी, और टीम टाइटल्स में भी। पैरा बैडमिंटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, ध्यान देना, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो प्रमोद भगत जीते इसमें, और एंड मनीषा रामदास, ये दोनों गोल्ड जीते। पैरालंपिक विजेता आपको पता है ना, प्रबोध भगत है, पैरालंपिक विजेता है, गोल्ड मेडल उसमें भी जीता था, ठीक है, ये टोक्यो में है। सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप, बिहार के नीरज कुमार जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल, सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप। उसके बाद नेक्स्ट है 24वां, तो हमने देख लिया, ऋतिक आनंद गोल्ड जीता बैडमिंटन में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स, ये मोरक्को में हुआ था, शैलेश कुमार जीते सिल्वर मेडल, शैलेश कुमार सिल्वर मेडल। उसके बाद नेक्स्ट है सब नेशनल सब जूनियर रग्बी चैंपियनशिप, गांधीनगर में हुआ, और बिहार इसमें गोल्ड जीता बॉयज भी और गर्ल्स भी। हिमाचल प्रदेश में जूनियर नेचर टारगेट बॉल चैंपियनशिप हुआ, बिहार के मेन्स टीम ने जीता। सब जूनियर रेसलिंग वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप भुवनेश्वर में हुआ, भोला सिंह यहाँ पे भी गोल्ड मेडल जीता, ठीक है ना। यहाँ पे देखो भोला सिंह एक और चीज़ कहाँ पे जीते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम में वेट लिफ्टिंग, और यहाँ पे सब जूनियर वेट लिफ्टिंग नेशनल कराटे चैंपियनशिप में जवीर अंसानी, और 48 जूनियर नेशनल कबड्डी गर्ल्स कंपटीशन है पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में हुआ, विनर हरियाणा, रनर अप बिहार।
अब एक चीज देख सकते हो, कुछ गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉमनवेल्थ हो गया, उसके नेशनल गेम्स हो गया, खेलो इंडिया यूथ गेम हो गया, और उसका डेफ ओलंपिक्स तो है ही। उसके बाद ये जो दूसरे देश में हुआ ना, मोरक्को वाला इंपॉर्टेंट हुआ, क्यों अपने देश में तो बहुत छोटे मोटे गेम होते ही रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एमवे इंडिया ने लॉन्च किया एक कैंपेन, किसके साथ? मीरा बाई चानू के साथ, और पटना में। क्या नाम उसका है? पैशन को दो पोषण, पैशन को दो पोषण। उसके बाद मुकेश कुमार, आपको पता है इंडियन क्रिकेट टीम में चुना गया, क्रिकेट से रिलेटेड है, कहाँ के है? गोपालगंज। और कौन सी टीम ने उनको खरीदा? दिल्ली कैपिटल्स। सुपौल की है राज लक्ष्मी, वो सीनियर वुमेन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए चुनी गई है, याद रखनी है, सुपौल की है राज लक्ष्मी। बिहार के ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन है प्रदीप कुमार, ये बने हैं चीफ ऑफ द मिशन ऑफ बिहार कॉन्टिजेंट, जो कि 30, देखो ये यहाँ पे गए हम, वहाँ पे हमने दो अवार्ड जीते, एक 30वीं रैंकिंग पे आए, तो बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन प्रदीप कुमार बने थे चीफ ऑफ द मिशन, याद रखना आपको उसका। बिहार की गर्ल टीम रनर अप बनी है जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में, जो कि गुवाहाटी में हुआ, ठीक है ना। और दादर नगर हवेली ने जीता ये कप, ठीक है ना। बिहार की गर्ल्स टीम बनी है रनर अप पहले, किस टीम में? जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। खुशी कुमारी गोल्ड मेडल जीती है स्पोर्ट्स, कौन सा है? वेट लिफ्टिंग से। बिहार के अंडर 16 क्रिकेटर है जिन्होंने सेंचुरी दोनों पारियों बनाए, तौफिक नाम है उसका, जमुई, ठीक है ना, विजय मर्चेंट ट्रॉफी में। शशि पांडे गोपालगंज के हैं, इनको 10 मीटर एयर पिस्टल में 37th स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप जो दिल्ली हुआ उसमें उनको गोल्ड मेडल मिला। बिहार 6 मेडल जीता पिकल बॉल में, ठीक है ना, थर्ड 3 डे पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप जो कि इंदौर में हुआ। उसके बाद शशि भूषण प्रसाद समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के है, कोच बने हैं इंडियन रेसलिंग टीम, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ईशान किशन वाला तो हमको पता ही है, डबल सेंचुरी सबसे कम गेंद में। शकीबुल घनी ये फर्स्ट क्लास में थर्ड ट्रिपल सेंचुरी मारने वाले, मतलब अपने डेब्यू में ट्रिपल सेंचुरी मारने वाले पहले बैट्समैन हैं पूरे रणजी ट्रॉफी के, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसमें मेरे हिसाब से मुकेश कुमार वाला नहीं पूछेगा, एमी वे इंडिया थोड़ा सा ये भी रहने दो। कौन सा प्रोग्राम है ये? पैशन को दो पोषण, ये हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैथिली ठाकुर को बिहार की खादी हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। स्टेट लेवल जो स्वीप आइकोन है, SVEEP होता है, इसके वोटर अवेयरनेस के लिए इनको चुना गया है। हिमा दास को पटना हाफ मैराथन का, मनोज बाजपेयी, यहाँ मनोज तिवारी नहीं, मनोज बाजपेयी है, को म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए पंकज त्रिपाठी के साथ ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नव्या सिंह है तो हमने देखा कटिहार की है, ट्रांस क्वीन इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर ब्रांड एम्बेसडर, मनोज तिवारी ब्रांड एम्बेसडर बिहार खादी के। 7 अगस्त को बिहार म्यूजियम डे, महाराणा प्रताप डे 9 मई को, विक्ट्री डे 23 अप्रैल को कुंवर सिंह जी के। ये पूछा सकता है विक्ट्री डे किनके लिए मनाया जाता है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन पूछता है हर साल, तो ये भी पूछ सकता है करेंट और स्टैटिक को लिंक करके। जनजीवन हरियाली डे फर्स्ट ट्यूजडे ऑफ एवरी मंथ, मार्टियर से 15 फरवरी को, मुंगेर में जो 34 स्टूडेंट्स का हुआ था कत्ल, उससे रिलेटेड है। एम्परर अशोक का बर्थ एनिवर्सरी 9 अप्रैल। प्रोहिबिशन डे, ऑपरेशन प्रहार ही भी इसी से रिलेटेड है, 26 नवंबर। और फैमिली प्लानिंग डे 21 हर मंथ को, 9 अगस्त को बिहार आर्थ डे, डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को, ठीक है। उससे ये इम्पोर्टेंट, नेशनल हाईवे का टोटल लंबाई कितना है? 5947 किलोमीटर। देखो नए वाले सर्वे में बढ़ा बढ़ा होगा, लेकिन ये भाई मतलब हम लोग इससे नहीं पूछेंगे क्योंकि ये अभी एग्जाम का क्वेश्चन बन ही गया होगा। पटना सबसे ज़्यादा है, फिर सीहोर सबसे कम है, स्टेट हाईवे में भी पटना सबसे ज़्यादा, सीहोर कम। आपसे पूछेगा नेशनल हाईवे का लंबाई ज़्यादा है, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, रूरल का सबसे ज़्यादा होता है, मधुबनी सबसे ज़्यादा, अरवल सबसे कम। 7th पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है, अब कुछ इंडेक्स है डिस्कस कर लेते हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, ये पब्लिक अफेयर सेंटर निकालते हैं, बिहार की रैंक है 15 और बिहार के स्कोर, स्कोर पे बिहार कुछ ज़्यादा, जैसे मैंने बिहार स्पेशल किया ना, देखो स्कोर पे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन होता है, ये पूछ सकता है यार, 0.461
हरियाणा टॉप किया है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स प्राइम मिनिस्टर का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल वो निकालती है, बिहार का रैंक है 35, नीचे से सेकंड है और पुडुचेरी पहला। जब सोशल प्रोग्रेस में बिहार नीचे से सेकंड है। सेकंड एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स नीति आयोग निकालती है, चाहे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, कंपोजिट हेल्थ परफॉर्मेंस इंडेक्स या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, सबके सब नीति आयोग निकालती है। और एक्सपोर्ट में रेडी कौन है, बिहार से 22nd में आता है, गुजरात है टॉप। इनोवेशन में नीति आयोग निकालती है, बिहार की रैंक है 15, स्कोर है 11.58 कर्नाटक का। देखो भाई ये स्कोर पूछा हुआ है दो बारी तो मैं आपको बताना पड़ेगा, है ना। हेल्थ इंडेक्स ये तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नीति आयोग निकालते हैं 31.11, इंडिया की रैंक है 18, मतलब बड़े स्टेट में 19 है ना, उसमें से 18वां है। केरला टॉप किया है। और मल्टी डायमेंशनल में ये तो पूछा ही हुआ है, पुअर पीपल है 51.91%, बिहार पुअरेस्ट है, सबसे कम पुअर है केरला। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निकलती है, गुजरात टॉप, बिहार की रैंक है 19, ये कम चांस है। IPF स्मार्ट पुलिसिंग में बिहार की रैंक है 29, लास्ट है, ठीक है। आंध्र टॉप किया है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन निकालती है। टॉप 10 पुलिस स्टेशन में होम मिनिस्ट्री निकालती है, 10th पे है रामपुर चौराम, ये पुलिस स्टेशन है अरवल का, सदर बाजार पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली का, ये टॉप किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स है नीति आयोग, ये बिहार लास्ट प्लस पे है, 52 स्कोर है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। केरला टॉप किया। जस्टिस पे टाटा ट्रस्ट, बिहार की 13 रैंक, स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं। महाराष्ट्र ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, पटना का प्लेस है बिग सिटी में 33वां, वर्स्ट परफॉर्मर कौन है स्मॉल टाउन में मुजफ्फरपुर, पहले जगह नंबर पे बेंगलुरु बिग सिटीज में और स्मॉल में शिमला। उसके बाद कुछ टॉप डिस्ट्रिक्ट है बिहार के वेरियस प्रोग्राम ने कौन अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, आयुष्मान भारत को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया रोहतास आयुष्मान भारत का इम्प्लीमेंटेशन में सही है। मनरेगा में के इम्प्लीमेंटेशन बक्सर, प्रधानमंत्री आवास योजना इसके लिए किशनगंज बहुत अच्छा काम किया है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अररिया और फूड डिस्ट्रीब्यूशन है पूर्णिया। उसके बाद बिहार पुलिस सर्विस राइट एक्ट में गोपालगंज। उसके बाद जहानाबाद क्या है, डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटी ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये डेटा काफ़ी एक्यूरेट हो गया, 100% डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटी। डेल्टा रैंकिंग इन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट गया टॉप किया। इन गुड गवर्नेंस रैंकिंग शेखपुरा, प्राइम मिनिस्टर रूरल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन में मधुबनी, एनुअल रैंकिंग ऑफ मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में सुपौल, और एम्प्लॉयमेंट अंडर प्रधानमंत्री आवास और मनरेगा भोजपुर। मतलब देखो एक तो हुआ इन प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना, इसको वो भोजपुर में किया। बैंकिंग फैसिलिटी ऑफ पोस्ट पेमेंट बैंक नवादा, दोनों अलग अलग है, डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटी जहानाबाद, पोस्ट पेमेंट बैंक वाला नवादा, ठीक है। उसके बाद बिहार का रैंक अलग अलग फील्ड में, इन द प्रोमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME सेक्टर बिहार का रैंक है 2nd, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान में 2nd है, अटल पेंशन योजना में है 2nd, प्रधानमंत्री आवास योजना में 3rd है, ई श्रम पोर्टल के रजिस्ट्रेशन में 3rd है, हायर एजुकेशन के इनरोलमेंट में 4th है, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में 5th है, क्रिमिनल केस में 7th है, फॉरेन टूरिस्ट में 9th है, रोड एक्सीडेंट में 9th है, गोल्डन आर में मतलब कि वो होता है ना एक्सीडेंट के 1 घंटे में हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, इसमें 15th है, बहुत नीचे। स्टेट हेल्थ इंडेक्स में नीचे से दूसरा है। उसके बाद नीति आयोग का एक डेल्टा रैंकिंग है, ये चैम्पियन ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग निकाला और 112 अंडर डेवलप एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट का रैंकिंग, इसमें टॉप 5 में एक भी बिहार का डिस्ट्रिक्ट नहीं। पिछली बार बहुत ज़्यादा था, देख रहे हो ना, नीति आयोग चैंपियन ऑफ डेंटल इंक्लूडिंग 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जैसे शेखपुरा पूर्णिया गया, ये तीनों टॉप 5 में था, इस बार नहीं है। मतलब 112 में 12 डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, ठीक है ना। देखो ये सब अंडर डेवलप है, अंडर डेवलपमेंट में कौन अच्छा रैंकिंग किया है,
ठीक है ना, ये 5 पॉइंट पे देखा जाता है। उसके बाद बिहार का म्यूनसिपल इलेक्शन हुआ, 19 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, 88 म्यूनसिपल काउंसिल है और 154 नगर पंचायत है, तीनों मिला के 261 हुआ। और किस एक्ट के थ्रू, ये देख लो, मतलब पिछले में कितना था ये देख लिया, दो फेज में हुआ बस, 18 और 28 दिसंबर, और ये कुछ याद नहीं रखना है। इन द सेकेंड फेज इलेक्शन में इतना, इन द 17th म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्सेप्ट गया, वुमेन बिकम मेयर इन ऑल द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एक गया को छोड़ के सब में वुमेन बनी है। और पटना की सीता साहू बनी है मेयर और रेशमी बनी है डेप्टी मेयर। OCR का यूज किया गया, याद रख लो, सिंपल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का यूज पहली बार किस चुनाव में हुआ, तो बिहार के म्यूनसिपल इलेक्शन, दिल्ली के म्यूनसिपल इलेक्शन, ठीक है ना, तो बिहार के म्यूनसिपल इलेक्शन, मतलब इसमें पहली बार यूज हुआ, कि क्या बिहार के पंचायत में भी यूज हुआ, नहीं। ठीक है, अर्बनाइजेशन 11.3 से 15.3% हो गया, सिटीज बिहार में 199, और जिसका पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा वो 26 है, और विलेज कितना है 39,000 के आसपास। पंचायत इलेक्शन का नोटिफिकेशन 24 अगस्त 2021 को दिया गया, 11 फेज में हुआ, ठीक है ना, याद नहीं रखना ये सब अब, ये क्योंकि पुराना हो गया। ठीक है, EVM पहली बार हर जगह यूज किया गया, और अनुष्का बनी थी यंगेस्ट कुसहर पंचायत जो कि शिवहर में है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड की बात करते, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देता है, पटना की रैंकिंग है 38, ठीक है ना, और 100 से ज़्यादा म्यूनसिपल बॉडीज में बिहार का रैंक कितना है, 11वां, इंदौर इसमें फर्स्ट है। अगर म्यूनसिपालिटी बॉडी जो भी बिहार में है उसमें टॉप है एक्चुअली पटना, ठीक है ना, और कैंट जो 62 कैंट है उसमें दानापुर कैंट की रैंकिंग है 32, ठीक है। टोटल 23 सिटीज ऑन बिहार इंक्लूडेड, ये नहीं है, 1 से 10 लाख में गया टॉप किया है। देखो टोटल में पटना टॉप किया है 100, मतलब कि 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन बिहार में, उसके बाद गया किया है, गंगेटिक सिटीज में मुंगेर किया है, और सिवान सबसे डर्टीएस्ट सिटी बना है, सासाराम सेकेंड डर्टीएस्ट सिटी, मनिहारपुर कटिहार डिस्ट्रिक्ट का है ना, वो फास्ट मूविंग सिटी बना है, सबसे तेजी से ग्रोथ कर रहा है। आप देखो फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात है, तो 1987 में पहली बार आया गया था, और ये SAT-2 से यूज करते हैं, रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट है। फॉरेस्ट रिपोर्ट में बिहार का कितना है, बिहार के में 7.84% है बिहार का टोटल एरिया का, और फॉरेस्ट कितना है टोटल, 7380, 7380 स्क्वायर किलोमीटर, 75 किलोमीटर इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बाद डेंस फॉरेस्ट देखते हैं कितना है, 333 किलोमीटर है, मॉडरेटेड डेंस फॉरेस्ट 3250 और 3693 है ओपे, तो सबसे ज़्यादा क्या है, सॉरी ये आगे करते, ये पुराना वाला है 2019, ये है 3762 है नया वाला, 3286 है नया वाला मॉडरेटली में, और 330, मतलब डेंस में कोई वृद्धि नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे ज्यादा कहाँ, एरिया वाइज, एरिया वाइज भी कैमूर में सबसे ज्यादा है, एरिया वाइज कैमूर में सबसे ज्यादा है, फिर वेस्ट चंपारण में है, फिर रोहतास में है, कैमूर, कैमूर, वेस्ट चंपारण और रोहतास, ये पूरा मैं मैप से भी पिछली बार कराया था एक वीडियो होगा। सबसे लोएस्ट है, सबसे कम है शेखपुरा, फिर अरवल, फिर जहानाबाद, ठीक है ना, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। कैमूर में परसेंटेज में भी सबसे ज्यादा है, उसके परसेंटेज में आता है जमुई और फिर नवादा। लोएस्ट की बात करें तो शेखपुरा ही आएगा, शेखपुरा, बक्सर और सिवान। फॉरेस्ट कवर की बात करें, देखो वो था ट्री कवर, ये है फॉरेस्ट कवर, सबसे ज़्यादा बांका में और सबसे कम, सॉरी बांका में, फिर जमुई में, फिर गया में। लॉस सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, कैमूर में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ, ठीक है, एक सेकेंड, ये फॉरेस्ट कवर है पूरा, वन सेक, ये है इंक्रीज कितना फॉरेस्ट कवर से हुआ 2019 से, बांका में सबसे ज्यादा, फिर जम्मू में, फिर गया में, और लॉस हुआ कैमूर में। उसके बाद इसमें टाइगर रिजर्व का भी लिया गया इस बार पहली बार, तो टाइगर रिजर्व में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है उसमें फॉरेस्ट कितना है, 796 किलोमीटर,
लगभग 85.71% जो टाइगर रिजर्व का एरिया है वहाँ पे तो जंगल ही है, एकमात्र नेशनल पार्क है और 12 टाइगर रिजर्व है। ट्री कवर की बात करते हैं, ट्री कवर कितना है टोटल, 2.48%, याद रखिए 2.84%। और डेंस फॉरेस्ट कितना है, 4.5%, फिर मीडियम वाला है, फिर ओपन है। डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे, वेस्ट चंपारण में, फिर मॉडरेटली भी वेस्ट चंपारण में, कैमूर में ओपन फॉरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर की बात करें तो ये है 7.84%, ट्री है 2.48%, टोटल है 10.32, ठीक है ना। और ये फॉरेस्ट ट्री, देखो फॉरेस्ट कवर कब गिनते हैं, फॉरेस्ट और ट्री, देखो अगर लैंड को 10% से ज़्यादा डेंसिटी है पेड़ का, मैं और उसके अलावा 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो उसको हम फॉरेस्ट के कैटेगरी में जान लेते हैं, नहीं तो ट्री, बस इतना डिफरेंस है। चलिए आगे हम करते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर। ये नया कैबिनेट है बिहार का, ज़्यादा क्वेश्चन कैबिनेट पे आया नहीं है, कभी नहीं आया। नीतीश कुमार पे आया था कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये आया था कि मैं चीफ मिनिस्टर, बस इतना ही। होम सर्वेलेंस इलेक्शन और कैबिनेट सेक्रेटरीट रखे हुए, रोड अर्बन और हेल्थ तेजस्वी यादव के पास है, विजय कुमार चौधरी है, फाइनेंस ट्रेड टैक्स पार्लियामेंट्री वर्क, अनीता देवी है बैकवर्ड क्लासेस, चंद्रशेखर जी है एजुकेशन, कुमार सरबजीत है एग्रीकल्चर टूरिज्म, विजेंद्र प्रसाद है एनर्जी, ये बाकी देख सकते हो, शीला कुमारी ट्रांसपोर्टेशन, समीर कुमार इंडस्ट्री, अशोक चौधरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सुरेंद्र राम लेबर रिसोर्स, आलोक कुमार मेहता रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म, शुगर केन इंडस्ट्री, जयंत राज है माइनर वाटर रिसोर्स, मदन शाहनवी सोशल वेलफेयर, श्रवण कुमार रूरल डेवलपमेंट, संजय पूजा वाटर रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, पंचायती राज है मुरारी प्रसाद गौतम, सुरेंद्र प्रसाद यादव कॉरपोरेशन, तेज प्रताप यादव इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लेसी सिंह है फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सुमित साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सुनील अल्कोहल प्रोविजन प्रोडक्ट एंड टर्म्स, जितेंद्र कुमार राय आर्ट कल्चर यूथ, जामा खान है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, रामानंद झा माइंस एंड पेडोलॉजी, ललित कुमार यादव पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिजास्टर मैनेजर, शाहनवाज संतोष कुमार माझी एसटीएससी, नहीं याद करना अगर याद नहीं है तो। ये कंस्ट्रक्शन याद रखना, बापू टावर पटना में बन रहा है, महाबोधि कल्चरल सेंटर बोधगया में, मल्टीपर्पज प्रकाश पुंज पटना साहब में, मल सालमी कम्युनिटी सेंटर पटना सिटी में, राजगीर में क्या बन रहा है, स्पोर्ट्स एकेडमी कम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, वैशाली में सम्यक दर्शन सेंटर एंड म्यूजियम बन रहा है, पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बन रहा है, दरभंगा में प्लेनेटेरियम कम साइंस म्यूजियम बन रहा है, एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना में, रीजनल साइंस सेंटर गया में, और कुछ स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, देखो रोहतास में कौन कौन है, रोहतास में देखो एक है अमेठी, पहरामा, रामपुर, नतवार, ये सब रोहतास में नीचे लिखा हुआ है, पहरामा ये हो गया यहाँ पे, रामपुर और नतवार, ये सब रोहतास में, उसके बाद तेजपुरा, सीफा और देहरा औरंगाबाद में है, ठीक है, औरंगाबाद है सिपरा, सीफा और देहरा, राजापुर सुपौल में है, और मथौली और बदावली वेस्ट चंपारण में है, ठीक है, और वली दाद अरवल में है। टोटल कैपेसिटी ये अंडर कंस्ट्रक्शन का है 9.3 मेगावाट, ऑलरेडी जो चल रहा है ना उसका है 54.3 मेगावाट। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में नेशनल लेवल में बिहार का क्या रैंकिंग है, मेज में बिहार है थर्ड, मक्का में, वेजिटेबल कॉलीफ्लावर ओकरा और पोटैटो में थर्ड, फ्रूट में छठवा है, पैडी वीट में छठवा है, मखाना और लीची में पहला, ये याद रखें, जो पहला होगा वो याद रखना है, जूट और मेस्ता में सेकंड है, जूट याद रख सकते हो, सनफ्लावर में थर्ड है, मैंगो थर्ड, देखो थर्ड वाला जब बहुत कम चांस होता है, पंपकिन में पहला है, मैंगो थर्ड है, मशरूम में सेकेंड है और फिशरी में फोर्थ, मशरूम सेकेंड। अब सेंसस वाला है, काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन है 10.41 करोड़, मेल का है 52.14% और फीमेल है
47.86, रूरल है बहुत ज़्यादा, 9.27%, जो कि परसेंटेज के हिसाब से कितना हुआ, 88.7%, यानी अर्बन है सिर्फ 11.3, लेकिन ये बढ़ के हो गया 15.3। ये क्वेश्चन आया था, अर्बन पॉपुलेशन सिर्फ 1.18 करोड़। अगर अभी भी आपसे सेंसस के हिसाब से पूछेगा तो यही बताना, डिकेडल ग्रोथ रेट क्या है, 25.42, सेक्स रेशियो क्या है, 918 है, इंडिया का क्या है, 943, और चाइल्ड सेक्स रेशियो बढ़ गया है यहाँ पे, घटा है, ठीक है ना, और इंडिया का 121 करोड़, ये 51.47 है, 48.53 है, ये तो ईए वाला ध्यान रखो तो 68.8, और तो ये तो अपने आप घट जाएगा। डिकेडल ग्रोथ रेट है 25.42 है, 17.7 है, यह है 918, 943, ये अच्छे से किए हुए। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है 1106, 382। अर्बनाइजेशन देख लिया, ग्रोथ रेट अर्बनाइजेशन क्या है, 0.8%, इसका है 3.4%। परसेंटेज पॉपुलेशन परसेंटेज जो है 0 से 14 में 40%, 40.2, 30.9% यहाँ पे, 15 से 59 में 53.35%, वर्किंग ग्रुप यहाँ देख सकते हो 53.5, यहाँ 60.7, और 60+ में 6.3%, 8.4%, लिटरेसी 6.8%, यहाँ पे 73, यहाँ मेल क्या है 71.2 और 51.5 है फीमेल, ठीक है। लिटरेसी रेट में इंक्रीमेंट कितना हुआ 1 से 11 के बीच, 17.9%, यहाँ पे 10.9% हुआ। रूरल लिटरेसी रेट कितना है, 59.8%, अर्बन है 76.9%। परसेंटेज एससी का कितना है देश में, राज्य में 15.72, और एसटी का क्या है 1.3%, ठीक है, और ये इंडिया में देख सकते हो, इंडिया में 16.6 और 8.6, 166। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ डेटा है, तीन मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले अगर पटना आता है, फिर ईस्ट चंपारण, वेस्ट नहीं है, ईस्ट चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, सबसे लीस्ट में आता है शेखपुरा। देखो पॉपुलेशन में शेखपुरा कम है, शिवहर एरिया में है, सेकेंड में है शिवहर, फिर है अरवल। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज़्यादा है मधेपुरा का है, फिर किशनगंज, फिर अररिया और खगड़िया, ठीक है। लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज़्यादा अरवल, सबसे कम अरवल है, फिर गोपालगंज, फिर दरभंगा, सबसे कम है अरवल याद रखिए। हाईएस्ट सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सारण। लोएस्ट सेक्स रेशियो सबसे कम मुंगेर, फिर भागलपुर, फिर खगड़िया। चाइल्ड सेक्स रेशियो में सबसे ज़्यादा है किशनगंज, फिर कटिहार, फिर गया, और सबसे कम में वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे ज़्यादा शिवहर, फिर पटना, फिर दरभंगा, सबसे लोएस्ट में कैमूर, जमुई और डैंडी, ये क्या है, ठीक है, इसको कट ही कर दो। मोस्ट अर्बनाइज में पटना, फिर मुंगेर, फिर भागलपुर, पटना, मुंगेर, फिर भागलपुर। लीस्ट अर्बनाइज में समस्तीपुर और बांका, फिर मधुबनी, फिर कैमूर। हाईएस्ट लिटरेसी में रोहतास, फिर पटना, फिर भोजपुर, रोहतास, पटना, भोजपुर, और लोएस्ट में पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार। लिटरेसी की बात करते हैं, मेल लिटरेसी में भी रोहतास टॉप है, ठीक है ना, हाईएस्ट मेल लिटरेसी में, और फीमेल लिटरेसी में सब में रोहतास टॉप है लिटरेसी, यहाँ यहाँ यहाँ, और लोएस्ट लिटरेसी में पूर्णिया टॉप है, मेल लिटरेसी में भी पूर्णिया बॉटम है, बॉटम बॉटम, लेकिन सहरसा फीमेल में है। रोहतास क्या है, हायर रूरल लिटरेसी, यार इतना ज़्यादा आने का सवाल नहीं है, ठीक है ना। अर्बन लिटरेसी हाईएस्ट एससी में सबसे ज़्यादा गया में, फिर नवादा, फिर औरंगाबाद, और लोएस्ट किशनगंज, कटिहार और भागलपुर। एसटी की बात करें सबसे ज़्यादा वेस्ट चंपारण, फिर कटिहार, फिर जमुई, खगड़िया सबसे कम, फिर समस्तीपुर, फिर औरंगाबाद। उसके बाद हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, और लोएस्ट, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा है पटना, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर, और लोएस्ट की बात करते हो सबसे शिवहर, फिर अररिया, फिर सीतामढ़ी। हाईएस्ट है पटना, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर। हाईएस्ट रेनफॉल की बात करते हैं किशनगंज, फिर सुपौल, फिर वेस्ट चंपारण। सबसे लोएस्ट है अरवल, कैमूर और रोहतास। मोस्ट अर्बनाइज में पटना, फिर मुंगेर, फिर नालंदा, पटना, फिर मुंगेर, फिर नालंदा। लिस्ट की बात करें तो मधुबनी, बांका और सीतामढ़ी।
मैक्सिमम लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे में सबसे ज़्यादा पटना, फिर मधुबनी, फिर मुजफ्फरपुर, और ले सबसे कम में शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय। मोस्ट पावर कंज्यूमिंग डिस्ट्रिक्ट में, पावर कंज्यूमिंग में पटना, गया, मुजफ्फरपुर, और सबसे कम में शिवहर, अरवल और शेखपुरा। राइस प्रोडक्शन की बात करें तो रोहतास, औरंगाबाद और वेस्ट चंपारण। और राइस प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वेस्ट चंपारण, रोहतास और औरंगाबाद। वीट प्रोडक्शन की बात करें तो रोहतास सेम है, रोहतास, मुजफ्फरपुर, भोजपुर। वीट प्रोडक्टिविटी की बात करें तो बेगूसराय, सारण और रोहतास। मेज सिर्फ प्रोडक्शन वाला भी याद करना, कटिहार, पूर्णिया और बेगूसराय। यहाँ पे भी पल्स प्रोडक्शन की बात करें तो पटना, नालंदा और औरंगाबाद, ठीक है ना। गुआभा की बात करें तो नालंदा, मुजफ्फरपुर और रोहतास, नालंदा टॉप है। मैंगो में दरभंगा टॉप है, सिर्फ टॉप टॉप याद करो ना। पोटैटो में पटना टॉप है, ऑनियन में नालंदा टॉप है, मधुबनी टॉप है। फीस में बिहार पॉपुलेशन का कुछ डेटा है, इकोनॉमी सर्वे के लिए है। 0 से 18 से कितने प्रतिशत बच्चे हैं? 42% बच्चे हैं, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन में 12% बच्चे हैं। और परसेंटेज ऑफ एडोलसेंट गर्ल 10 से 19 के बीच कितना प्रतिशत? 19.8% है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितना है? लगभग 69.1 साल है, इंडिया का 69.4। मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? 69.4। फीमेल का 68.7। इंडिया, बिहार में फीमेल कम है, वैसे फीमेल ज़्यादा है। क्रूड बर्थ रेट कितना है? 26। इंडिया का है 20। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना है? 29 है, उसका 30 है देश का। सेक्स रेशियो एट बर्थ 899 है, इसका 900, ठीक है ना, 2016-18 के बीच है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इतना इस वीडियो में, जो मंथली वाला करेंट अफेयर्स है ना, जनवरी, ये सब एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।